मोस्ट वेलकम ऑन योर मिस्टर क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 13.2 में बताने जा रहे हैं, एक से लेकर छह तक के सवाल बताने जा रहे हैं। पहला सवाल देखिए दिया हुआ है, एक ठोस एकांक गोले पर खड़े एक शंख के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा ठोस का आयतन, पूरे ठोस का इसका हम क्या करेंगे, पूरे शंख का आयतन ले लेंगे और इस गोले का आयतन ले लेंगे, अर्ध गोले का आयतन ले लेंगे। तो शंख का आयतन होता है 1/3 πr² और गोले का आयतन 2/3 πr². तो 1/3 πr² दोनों जगह कॉमन को मिल जाएगा, तो एस प्लस 2r बचेगा। 1/3 πr² के ऊपर 1 का स्क्वायर और एस प्लस 2r के ऊपर 1 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे 3π/3 जब आएगा तो 3 कट करके π/cm इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए r की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर और इसके बाद से h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ये ऊंचाई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा दिया हुआ है, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचियर से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर लंबाई 12 सेंटीमीटर प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो। तो रचियर द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्निष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं एक समान है, ये अंदर की विमा और बाहरी विमा ये दोनों एक समान है। देखिए कहा जा रहा है ये लंबाई हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर बेलन की और शंकु दोनों तरफ का लेकर के 2 सेंटीमीटर आया है, 2 सेंटीमीटर इधर है क्योंकि ये दिया हुआ है लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये आपका हो गया जिसमें प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर ये हम निकाल लेंगे तो 20 का भाग है हमारा 8 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई ये हो जाएगा 12 जिसे ये क्या करेंगे 2 और 2 घटा देंगे तो हमारा ये बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर निकल गया। बेलन कोण की ऊंचाई ये 2 सेंटीमीटर दिया, इधर भी 2 सेंटीमीटर दिया है तो हम हवा का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु का ये आयतन और प्लस बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन और फिर इधर के शंकु के आयतन के लिए फिर शंकु आयतन हम जोड़ देंगे। तो शंकु आयतन 1/3 πr² होता है, बेलन का आयतन πr² और फिर 1/3 πr² शंकु आयतन, क्योंकि शंकु आयतन हमने 2 बार लिखा है, ये 2 सिरा है शंकुआकार 2 सिरे को, इसलिए शंकु आयतन और शंकु आयतन करके हमने जोड़ दिया है। तो πr² ये हमारा कॉमन हो जाएगा 1/3h यहाँ से निकालेंगे और ये h बचेगा और ये 1/3h। तो पाई के 22/7 πr² के ऊपर 1/10.5 अब फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणे एच की जगह पर 2 फिर एच की जगह पर 8 फिर 1/3 एच की जगह पर 1/3 गुणे 2 यानी कि 22/7 1.5 × 1.5 हो जाएगा 2.25 गुणे ये हो जाएगा 4/3 × 8 इस तरह से 1/3 हो जाएगा 2/3 गुणे 2 यानी 4/3 × 8 ये कट करके आपका हो जाएगा 22/3 × 0.0 यानी 66 सेंटीमीटर। हाँ ये तीसरे में तारा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे गोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। यानी कि ये लंबाई 5 सेंटीमीटर कर दिया और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारा निकालना आसान हो गया कि ये त्रिज्या व्यास की आती है, हमारी त्रिज्या हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर और गोले की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर गोले की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलन की ऊंचाई हमको निकालना रहेगा तो 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है लंबाई और गोलाकार की लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर उसमें से क्या करेंगे 1.4 × 1.4 घटा देंगे तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर।
और एक गुलाब जामुन का आयतन इस तरह से हम निकालेंगे तो 2 × 2 = 3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर अरेंज करके हो जाएगा। यानी कि बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन आवर 2/3 पाई आर क्यूब, ये शंकु का आयतन यहाँ से इसलिए 2 का यहाँ पे हमने गुणा कर दिया है और इस तरह से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मान 4/3 आर प्लस एच करके हम इसका वैल्यू पुट अप करेंगे तो 25.05 सेंटीमीटर आ गया। और चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है 25.05 सेंटीमीटर, 45 गुलाब जामुन का आयतन हमको निकालना होगा तो 45 से गुणा कर देंगे तो 1127.25 सेंटीमीटर आएगा। तो कुल चाशनी निकालना है, कुल चाशनी के लिए कहा है 30% लगभग चीनी की चाशनी होती है आयतन का, तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन आएगा उसमें हम 30/100 करके प्रतिशत निकाल लेंगे तो इस तरह से 112.725 × 3 आ जाएगा और ऐसे आ गया ये आपस में गुणा करने पर 338.175 घन सेंटीमीटर। चौथा एक कलमदार घनाभ के आकार की लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं, घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, गहराई 1.4 सेंटीमीटर है तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। 4 शंकु का आयतन, शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है तो 4 शंकु का आयतन 4 गुणे हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे त्रिज्या इतना हो जाएगा और 4 शंकु का आयतन ये हमारा आ गया 1.466। अब घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इस तरह से हम यहाँ पे जो बीमा का दिया हुआ है घनाभ की विमा इससे हम घनाभ का आयतन निकाल लेंगे 525.09 सेंटीमीटर आ जाएगा और इस शस्त्र कलमदान का आयतन हम 525 में से 1.47 घटा देंगे तो 523.53 घन सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। पांचवा कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये बर्तन है और इसकी ऊंचाई हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मान लिया, इसके ऊपर इसलिए जो खुला हुआ इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, खुले हुए सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे कुछ गोलियां प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इससे भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है जब इसमें डाला जाता है और बर्तन में डाली गई शीशे गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शंख की ऊंचाई यहाँ से हमको क्लियर हो गया 8 सेंटीमीटर, शंख की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो गोलियों की संख्या हम यह मान लेंगे और इस तरह से 1/4 गुणे शंख का आयतन करके यह गुणे गोली का आयतन निकालेंगे और इस तरह से शंख आयतन पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब करके हम निकालेंगे तो यह बराबर आ जाएगा हमारा 100। सभी सरल करेंगे तो यह बराबर 100 आने पर यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसलिए शीशे के गोलियों की संख्या 100 हो जाएगी। छठे में कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, उससे लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है तो स्तंभ का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इसका और इसका आयतन यानी कि इस स्तंभ का और इसके ऊपर जो रखा हुआ है बेलन इसका आयतन तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच छोटे वाले का और बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर एच 12 सेंटीमीटर ये है तो इसलिए बड़े वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 220, इसका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 220 यानी कि स्तंभ का आयतन जब निकालेंगे हम तो पाई आर स्क्वायर एच करके हमारा ये हो जाएगा दोनों का छोटे का और बड़े का आयतन तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे जब तो पाई का मान लेने पर 64 × 60 = 144 × 220 करेंगे तो पाई और 38/40 + 31,680 सो गाइस इन दोनों को जोड़ देंगे तो पाई हमारे यहाँ 3.14 और 35,520 जब लिख करके इसको आपस में गुणा करेंगे तो 1115/32.80 घन सेंटीमीटर आ जाएगा तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो 1,15,11,532.8 घन सेंटीमीटर का इसमें अगर का गुणा कर देंगे तो 89,22,62.4 ग्राम ये आ रहा है और इसी को क्या करेंगे हम किलोग्राम में जब बनाएंगे तो 1000 का भाग देंगे
व्यास तो भर के 2-6 किलोग्राम के हमारा आंसर आ जाएगा। तो गाइस इस तरह से आपका एक छठा सवाल खत्म हुआ। अब इसमें सातवां और आठवां दो सवाल और बचे हुए हैं, इसको फिर हम कल बताएंगे। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।